और जयपुर में स्वयं सिद्धा हस्तशिल्प प्रदर्शनी की गई है, आपको बता दें। और ये प्रदर्शनी लगाई गई है लघु सचिव उद्योग भारती महिला इकाई संगठन के द्वारा। प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी को लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। प्रदर्शनी को प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ी पहल माना जा रहा है, आपको बता दें। इस मौके पर 3 दिनों के लिए सांस्कृतिक संध्या का आयोजन भी किया गया है। इस मौके पर संगठन की अध्यक्ष सुनीता शर्मा ने बताया कि प्रदर्शनी का समापन आज शाम को होगा। समापन समारोह में सांसद रामचरण बोरा भी मौजूद रहेंगे। तो प्रदर्शनी को अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह बड़ी पहल मानी जा रही है। महिला सशक्तिकरण को मजबूत करने के लिए 3 दिनों के लिए सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन इसमें किया गया। स्वयं सिद्धा हस्तशिल्प प्रदर्शनी ये लगाई गई। प्रदर्शनी को मिल रहा है बेहतर प्रदर्शन करने के रेस्पॉन्स भी अच्छा लगातार मिल रहा है। स्वयं सिद्धा हस्तशिल्प प्रदर्शनी इसको कहा जा रहा है। प्रदर्शनी का आज शाम को समापन होगा। नमस्कार, मेरा नाम सुनीता शर्मा है और मैं लघु उद्योग भारती महिला इकाई संगठन जयपुर की इकाई की अध्यक्ष हूँ। और ये हमारा स्वयं सिद्धा हस्तशिल्प प्रदर्शनी 3 दिन के लिए आयोजन किया जा रहा है। यह 30 सितंबर से चालू हुआ था और 30 सितंबर को प्रिंसेस दिया कुमारी जी ने इसका दीप प्रज्वलन करके उद्घाटन किया। आज हमारी जयपुर की महापौर, ग्रेटर महापौर श्रीमती शील धबाई जी यहाँ पर पधारी और उन्होंने दीप प्रज्वलन किया और अवलोकन किया, सभी महिलाओं के काम को सराहा। यहाँ पर 110 स्टॉल लगाई गई है और यहाँ पे सभी तरह के प्रोडक्ट है। 3 दिन के लिए हमने सांस्कृतिक संध्या का आयोजन भी किया है। हम चाहते हैं कि जो हमारी वीमन एम्पावरमेंट है इसको हम बढ़ाया जाए और हमारी जितनी उद्यमी महिलाएं जो हमारे साथ में जुड़ी हुई है उनको एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया जाए जिससे कि वे अपने द्वारा बनाए हुए सामान का डिस्प्ले कर सके। क्योंकि हमारे यहाँ पे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग वाली महिलाएं हैं जिनकी कोई भी आउटलेट नहीं है। एक एग्जीबिशन ही ऐसा माध्यम है जिससे वह अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करती है। आप देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर विजिट कर रहे हैं और अच्छी शॉपिंग भी हो रही है। मैं जयपुर की सारी जनता से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि आप भी यहाँ पर पधारिए और दिवाली की शॉपिंग स्वयं सिद्धा की हस्तशिल्प प्रदर्शनी से ही कीजिए।